हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। और आज भी मैं श्रीनगर ही हूँ। आज श्रीनगर से जाने का दिन आ गया फाइनली। अच्छा नहीं लग रहा जाना, इस जन्नत को छोड़ के, इस अच्छी जगह को छोड़कर, बट अब जाना है। आए हैं तो जाना होगा ही, बहुत लंबा सफ़र है। तो आज हम जा रहे हैं जम्मू, मेरे साथ लोकनाथ भैया जा रहे हैं। ये मेरे को पहले दिन ही मिल गए थे श्रीनगर में, तब से हम साथ हैं और काफ़ी अच्छा इनका साथ रहा। और आज हम जम्मू जाएंगे। जम्मू का अब तक कोई प्लान नहीं है कि कैसे जाएंगे। शायद यहाँ से बनिहाल तक ट्रेन चलती है और वहाँ से आगे शेयर कैब या हिचाइक, जो भी, देखते हैं क्या प्लान रहता है। मैं कोई श्योर नहीं हूँ तो कुछ खास बता नहीं सकता, वीडियो में देखना पूरा। तो आज का सफ़र होगा पूरा श्रीनगर से जम्मू का। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे हम ट्रैवल करते हैं और क्या क्या हम करेंगे अब। तो होप यू एंजॉय करोगे। हम इस हाउस बोट में रुके हुए हैं। हाउस बोट का नाम पाला पैलेस है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि लोकनाथ भैया ठहरे थे। अगले दिन मैंने उनको ज्वाइन कर लिया था। थोड़ा बाहर से मैं व्यू देऊंगा, तो एक बार मैं रूम दिखाता हूँ आपको दोबारा। थोड़ा अंधेरा है यहाँ श्रीनगर में, कभी कभी लाइट की प्रॉब्लम रहती है। तो ये हाउस बोट है और ये हमारा रूम था। थोड़ा हिंडा भिड़ा हुआ है क्योंकि जाने का टाइम हो गया, जाने के टाइम साफ नहीं रहता। ये हाउस बोट से बाहर का के हाउस बोट्स काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाउस बोट में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। यहाँ मैंने पहले जैसे आपको दिखाया, एक हाउस बोट में हम गए थे, थोड़ा टूरिस्ट कैम्प हमारे साथ हुआ था। उसके बाद हम बाहर गए तो बाहर में एक दो बंदे मिले, उनसे हमने बोला कि रूम चाहे ज़्यादा कुछ खास ना हो कोई बात नहीं, बट बंदा हमें अच्छा मिलना चाहिए जो हमें होस्ट करे, जिनके साथ बात करने में मज़ा आए, जिनके साथ रुकने में मज़ा आए। तो इनके साथ काफ़ी इन्जॉय किया। ये दूसरा रूम है, इस पर भी काफ़ी बड़ा रूम है, ये काफ़ी स्पेस है यहाँ, तो काफ़ी बंदे रुक सकते हैं। यहाँ भी अटैच टॉयलेट बाथरूम है। और ये सभी भैया, ये यहाँ के ओनर है, इन्होंने हमें होस्ट किया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो होटल का नाम है यहाँ हाउस बोट पाला पैलेस। रास्ते में अभी एक शेयर कैब मिली और आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है, इसलिए गाड़ी रुकवाई है। सभी भीड़ लगी हुई है और बर्फ गिरी हुई है काफी ज्यादा, स्नोफॉल देखने को मिले, मजा आ गया। देखते प्लान बन रहा है यहाँ से उधमपुर और वहाँ से कटरा, या फिर यहाँ से जम्मू, जम्मू से कटरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मे भी अब तक कटरा की ही बन रही है, कटरा, कटरा से वैष्णो देवी, वैष्णो देवी से देखते आगे जहाँ का बनता है प्लान। सो -10 में गुलमार्ग में ट्रैकिंग की हमने, मैंने और पीछे भैया लोकनाथ ने। और सो रहे हो, कैमरे में आ रहे थे। तो हमने ट्रैकिंग की -10 में मीर भाई के साथ और अभी सब कुछ इंजॉयमेंट करने के बाद जम्मू की तरफ निकल पड़े। जम्मू से भैया जाएंगे पठानकोट या मे बी हिमाचल वाली साइड, और मैं जा रहा हूँ कटरा वाली साइड। मैं हिमाचल शायद इस ट्रिप में नहीं जाऊँगा क्योंकि हिमाचल मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है और हिमाचल का मैं एक अलग से ट्रिप बनाऊँगा, उसमें कंप्लीट हिमाचल ही एक्सप्लोर होगा। कि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन इनफ नहीं है हिमाचल को एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत टाइम चाहिए, लगभग 2 महीने 1 महीना चाहिए हिमाचल के लिए। तो चलते हैं अभी कटरा, कटरा से देखते हैं मे बी उत्तराखंड, उत्तराखंड से मथुरा, जो भी प्लान बनता है।
इसी रास्ते में चाय पानी के लिए रुके और ये रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट से जो व्यू है खुद देखो यार, वाओ व्हाट द ब्यूटी मैन, वो रास्ता है जिस रास्ते से हमें जाना है आगे, और ये व्यू है, क्या व्यू है यार, चाय वगैरह पीते हैं और चलते हैं जम्मू कटरा धाम जाएंगे इनकी तरफ। टैक्सी जम्मू की है, जाना कटरा है, देखते हैं क्या बनता है प्लान। नो बैटरी में पानी, इसका नाम ही इसलिए बैट चश्मे कहते हैं इसको। हर प्लेस का नाम कोई वजह से है, कोई बैटरी जो पानी डालते हैं उसका नाम से ये जाना पहचाना, उसका नाम है बैट चश्मे। कितने कितने पहाड़ काट दिए हमने, तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गया मैं कटरा और एक होटल में हूँ इस टाइम। होटल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा होटल है। मेरे को अभी रात को ही चढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं 3 घंटे के लिए एक नॉर्मल गेस्ट हाउस पे पूछा कि मेरे को 3 घंटे के लिए रूम चाहिए, तो सस्ता ही मिल गया। उन्होंने 200 रुपीज़ चार्ज किए और 3 घंटे मैं यहाँ पर रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं चढ़ाई स्टार्ट करूँगा और मेरा सामान यहीं पर मैं छोड़ने वाला हूँ। रेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट ऊपर चढ़ाई कर सकता था, बट मैं चेक पोस्ट आता है कटरा में एंटर करने से पहले, वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है और मैं वहाँ पे थोड़ा फिसल गया तो गिर गया और मेरे पैर पे थोड़ी लग गई, तो मैंने सोचा कि रुक के थोड़ा रेस्ट कर लूँ और कुछ मेडिसिन वगैरह लगा लूँ, ओमनी जेल वगैरह, और अभी 2-3 घंटे रेस्ट करूँगा, उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट करेंगे ऊपर की। और मैं वैष्णो देवी मंदिर आपको दिखाता हूँ पूरा नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, तो अच्छा लगे हो ये कश्मीर से जम्मू का सफ़र तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बैकपैकर जोनी। स्टे ट्यून्ड।